अगर आप एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं ना, तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट लाया, सोचा कि आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दे दूं। एक्सिस बैंक का जो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसमें कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है, कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, जीरो बैलेंस रहेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई भी मेंटेनेंस के नाम पर चार्ज नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, एक होता है कि 1 लाख 2 लाख रुपया तक, लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। यह अकाउंट ई केवाईसी के माध्यम से खुलेगा, ई केवाईसी से ही फुल केवाईसी होगा, इसलिए इस अकाउंट में पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, आप अपने आधार कार्ड पैन नंबर से आसानी से इस अकाउंट को खोल सकती हैं, खुलवा सकती हैं। इस अकाउंट में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो रुपए का प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जो एक बार इशू करने का चार्ज 250 रुपया प्लस टैक्स है, और उस डेबिट कार्ड का जो सालाना चार्ज है वो 100 रुपया प्लस टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। अगर लिमिट के बारे में बात करें तो पर डे की एटीएम ट्रांजेक्शन जो कैश विड्रॉ वाला होता है उसका लिमिट 40,000 है, और यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं स्टोर वगैरह पर, तो उस स्थिति में 3 लाख रुपया की लिमिट आपको दिए जाती है। इस अकाउंट में UPI, RTGS, NEFT सब कुछ सुविधा आपको मिलती है। UPI की लिमिट के बारे में बात करें तो पर्सन टू पर्सन दिन भर में 24 घंटे में 1 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बात करें तो 10 बार आपको मिलती है। इस अकाउंट में कोई भी ऐसे डिस्काउंट ऑफर आपको नहीं दिया जाएगा, चूंकि यह एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। काफी सारे लोग कहते रहते हैं कि इसमें हिडन चार्जेस भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कंसोलिडेटेड चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक और बेनिफिट जानिए कि इस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है उस पर अप टू 2 लाख रुपया का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 90 दिन के अंदर आपको अपने कार्ड को एक बार स्वाइप करके यूज कर लेना है, तब जाकर वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल होते रहेगा। प्रत्येक 90 दिन में कम से कम एक बार इस तरह के ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो यहां पर इंश्योरेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में अप टू 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस जारी रहेगा। इस अकाउंट को जब खुलवाएंगे ना, तो उस समय आपको 500 रुपया का डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, डिपॉजिट कर लो और उसके बाद अकाउंट खुल गया तो आप इस अकाउंट से पैसे निकाल सकती हो। आप इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो सोचेंगे कि इस अकाउंट में आखिर मिलेगा क्या क्या, तो बिल्कुल सही सोच है। इस अकाउंट का जो वेलकम किट आपको मिलता है ओपन कराने के बाद, उसमें आपको एक चेकबुक मिल जाएगा और डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर 10 पत्ते वाला चेक आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होगा, और चेकबुक का अगर ज़रूरत होता है तो उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर पासबुक के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सिस बैंक फ्री में पासबुक देगा नहीं, इसके लिए 100 रुपया का आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब कुछ विशेष चार्जेस के बारे में बात करती हैं, जिसे हम लोग समझते नहीं है और कह देते हैं हिडन चार्ज है या फिर यहां पर कंसोलिडेटेड चार्ज है। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या चार्जेस है, जो मेन चार्जेस है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहां पर देख पाएंगे ना, axisbank.com पर मैं आ चुका हूं। यहां पर एक्सप्लोर प्रोडक्ट की ऑप्शन आता है, अकाउंट की ऑप्शन, अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट की ऑप्शन। तो यहां पर ना आप देखेंगे स्लाइड करते हुए सहज सेविंग अकाउंट, ठीक है, सहज सेविंग अकाउंट, जिसमें यहां पर एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, पेपरलेस तरीका से अकाउंट ओपन होगा। लो ओपनिंग डिपॉजिट 500 रुपया जो मैंने आपको बताया, और जीरो बैलेंस अकाउंट। इस अकाउंट में जो भी आप पैसे रखते हैं 3 से 3.5% पर एनम के अनुसार से, इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, और ये सभी जानकारी तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब मेन आता है चार्जेस के बारे में कि क्या चार्जेस है। चार्जेस में देखो यार, जीरो बैलेंस अकाउंट है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप ब्रांच जाते हैं तो ब्रांच कन्वीनियंस फी आपसे लिया जाएगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे जितना बार भी यूनिक विजिट करेंगे, मतलब जितना बार भी आप जाएंगे 10 रुपया करके आपसे चार्ज किया जाएगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो। अकाउंट अगर आप बंद करवाते हैं 14 दिन के अंदर तो उसका कोई चार्ज नहीं है, 14 दिन से लेकर 1 साल के बीच में बंद करवाते हैं तो 500 रुपया की चार्ज, और 1 साल बाद इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन अगर आप ब्रांच से करते हैं तो महीने के पहला 4 ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, या फिर 2 लाख रुपया तक। अगर आप नन होम ब्रांच से ट्रांजेक्शन करती हैं तो 25,000 रुपया पर डे के अनुसार से आपको दिए जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगर फ्री लिमिट समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये चार्ज लेंगे, और चार्ज लेंगे 5 रुपया प्रति 1,000 रुपया करके, और ज़्यादा से ज़्यादा बताया है कि भाई 150 रुपया की चार्ज किया जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन वाला भी फ्री है, जो कि RTGS NEFT जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप ब्रांच से करवाते हैं तो उसका अलग से चार्जेस है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकती हैं। IMPS का भी चार्जेस है, अप टू 10,000 रुपया तक बताया गया है 2.5 रुपया पर ट्रांजेक्शन, और 10,000 से 1 लाख रुपया तक 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन, और 1 लाख रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन।
चलिए डीडी या पीओ इश्यूएंस के बारे में बात करें डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के, तो अप टू 10,000 तक 50 रुपया की चार्ज, 10,000 से ऊपर 5 रुपया प्रति हज़ार, जिसमें कम से कम 75 रुपया और मैक्सिमम 10,000 रुपया तक चार्ज किया जाएगा। चलो उसके बाद चेकबुक फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद आपको 20 चेक लिप्स दिया जाएगा, जिसके लिए 100 रुपया का चार्ज किया जाएगा। एटीएम कार्ड तो आपको मिल गया, लेकिन उस पर जो है महीने का लिमिट होता है एटीएम में इस्तेमाल करने का, जो लिमिट इस प्रकार से है, एक्सिस या नॉन एक्सिस बैंक एटीएम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन कितना है। तो एक्सिस बैंक के एटीएम से फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन महीने का फ्री रहेगा, उसके बाद नॉन एक्सिस बैंक एटीएम से भी 5 ट्रांजेक्शन, लेकिन वो 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मिलाकर है। उसके बाद एक्सिस बैंक या नॉन एक्सिस बैंक एटीएम फी फ्री समाप्त होने के बाद कितना लिया जाएगा, तो फाइनेंशियल के लिए 20 रुपया और नॉन फाइनेंशियल के लिए 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन। पासबुक के लिए 100 रुपया, जो कि मैंने आपको बताया, फिजिकल स्टेटमेंट अगर ब्रांच से लेते हैं तो 100 रुपया। इसी प्रकार से चेक या फिर ECS पेमेंट जो है यहाँ पर स्टॉप करवाती हैं तो उसका 100 रुपया, DD या PO कैंसिलेशन चार्ज 100 रुपया, रीवैलिडेशन चार्ज 100 रुपया, एड्रेस कन्फर्मेशन चार्ज 100 रुपया, फोटो अटेस्टेशन चार्ज 100 रुपया, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का चार्ज अलग से 100 रुपया, वैलेंस सर्टिफिकेट यहां पर लेते हैं तो उसके लिए 100 रुपया, वैल्यू एडेड SMS अलर्ट आपको मिलता है तो इसके लिए 5 रुपया पर मंथ, यानी 15 रुपया प्रत्येक 3 महीना पर लिया जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो 25 रुपया जितना बार भी फेल होगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है ATM या POS मशीन में, जहां पर बैंक में खाता में आपका पैसा नहीं रहता है और ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो डिक्लाइन होता है, तो 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। आउटवर्ड चेक रिटर्न के लिए 200 रुपया पर चेक है, इनवर्ड चेक रिटर्न के लिए 500 रुपया अगर फाइनेंशियल रीजन से रिटर्न हुआ है, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रीजन से रिटर्न हुआ है तो मात्र 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा भाई, एक्सिस बैंक है। उसके बाद आउट स्टेशन चेक रिटर्न होता है तो 150 रुपया पर चेक, ECS डेबिट फेल होता है तो उसके लिए 500 रुपया पर इंटेंस जितना बार भी होता है, SI फेलियर, मतलब तरह तरह के चार्जेस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब झंझट की ज़रूरत होगा, अगर ज़रूरत हो भी गया तो भाई ये चार्जेस है, याद कर लेना, आप भी तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद NSEH डेबिट फेलियर होता है, ऑटो डेबिट फेलियर होता है, इन सभी का भी चार्जेस अलग अलग बताया गया है। फेयर यूजेस फी भी कुछ आती हैं जिसे आप देखेंगे, जो कि ब्रांच ट्रांजेक्शन पर मंथ के हिसाब से फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ना कुल मिलाकर एक्सिस बैंक का यही सब चार्जेस हैं इस अकाउंट का, जो आपको मैंने बताया और आप भी यहाँ पर देखें। अब भाई बात आता है कि इस अकाउंट को आखिर खोलेंगे कैसे, क्या ब्रांच से खुलेगा? ना, ब्रांच से तो इस अकाउंट को नहीं खोल सकती हैं। क्या ऑनलाइन खुलेगा? तो ना, ऑनलाइन भी नहीं खोल सकती हैं। तो आप सोचोगे यार खुलेगा कैसे, तो जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं, जहां पर आप लोग पे नियर वाई वगैरह को जानते हैं ना, जहां पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन या फिर कंपनी या फिर बिजनेस वाला मिल जाएगा, जहां से आप सेविंग्स अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उन सभी पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, फिर ब्रांच में जाकर ये पता कर सकते हैं यह अकाउंट क्या आसपास के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खोल सकते हैं और कौन सा खोल सकती हैं, आप संपर्क नंबर ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं ना कि पे नियर वाई में शायद आया था, अभी ऑप्शन है या फिर नहीं मालूम, अगर होगा तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। या फिर कुछ ऐसे भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जहां पर ये सर्विस सेविंग्स अकाउंट वगैरह का मिलता है, वहां पर आप पता कर सकते हैं, वहां से आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो कुल मैंने आपको जानकारी दे दिया, अब मैं बता दूं कि ब्रांच जाइए खुल जाएगा, पता चलेगा वहां से तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिखा है कि इस अकाउंट को आप सेलेक्टेड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के यहां खोल सकते हैं, जो कि पे नियर वाई में खुल रहा था, अभी का पता नहीं, अभी मैंने चेक किया अपने अकाउंट पर तो मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ करेंट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में जानकारी दे दिया, आप ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं, कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया, बस आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं छूटा होगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, कुछ अगर छूट भी गया होगा बताने को तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।